तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना ऋषि सचदेवा और आज हम लोग आ रखे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे लांबा एंटरप्राइजेस पे। यहां पे सारी की सारी बाइक्स अपनी खड़ी है, मीटियोर, हिमालयन, सुपर मीटियोर और उधर जीटी खड़ी हुई है। और यहां पे आज हो रहा है लॉन्च अपनी शॉटगन 650 का लॉन्च यहां पे हो रहा है प्लान। तो आज का मैं ज्यादा व्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि गाने वाने बहुत चल रहे हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है कि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो के ऊपर। तो ये जो क्लिप है ये मैं आपके डाल दूंगा जब हम इसकी टेस्ट राइड लेने आएंगे कल या परसों। आज इसकी बाइक का लॉन्च देखते हैं सबसे पहले तो, और थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ के विजुअल दिखाया था। बढ़िया डीजे वीजे लगा हुआ है अपना, गुब्बारे उबारे, बढ़िया सजावट कर रखी है। तो बस लॉन्च वगैरह का एक दो शॉट डाल दूंगा और मेन मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पूरी की पूरी टेस्ट राइड की वीडियो और बाकी डिटेल्स। तो गाइस यहाँ पे जो अपना लॉन्च इवेंट है वो स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख लो यहाँ पे प्रॉपर पूरा का पूरा तैयारी हो रखी है। So today we have all gathered here to sort of a motorcycle that unlike any other presenting Royal Enfield latest in the short year 650. So please share for the motorcycle everyone. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग आ रखे हैं अपना लांबा रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे और आज हमारे को मौका मिला है अपनी एक ब्रांड न्यू बाइक चलाने का जो कि है शॉटगन 650, जो कि जिसकी लॉन्च की वीडियो भी मैंने बनाई थी और वो भी आपको क्लिप जो है वो इसी वीडियो में। ये जो बाइक है ये मैं ले रहा हूँ लांबा रॉयल इनफील्ड के शोरूम से और इनका जो सर्विस सेंटर है वो है गणेश नगर में। आप लोगों ने अगर मेरी अपना डिलीवरी की वीडियो देखी हो तो वो भी मैंने इन्हीं से ही ली थी और ये खड़ी हमारी हिमालयन जो कि मैंने यहाँ से ही ली थी। तो अभी इसका एकदम चला के देखते हैं। मैंने वो वाली जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी पहले लॉन्च की उसमें मैंने यही बोला था कि जब हम बाइक चलाएंगे तब मैं उसकी जो फुटेज है वो अटैच कर दूंगा। तो आज वो दिन आ गया अपना, बढ़िया से करते हैं। और ये बैठे अपने विक्रांत भाई। और बताओ विक्रांत भाई, क्या हाल है? तो मैं यही बता रहा था व्यूअर्स को कि इसके लॉन्च में भी आए थे हम लोग और उस टाइम तो चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज चलाएंगे। भैया ने पूरी चमका दी है। और एक बार यार यहाँ का एक कोई मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बता दो अगर किसी को बाइक लेनी हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो गूगल की डिस्क्रिप्शन वो है लोकेशन वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बाइक लेके निकलते हैं। होगी भैया साफ, चमक गई? चलो बाइक अपनी चमक गई है। और ये है इसका कलर जो प्रॉपर मतलब ग्रीन शेड में आता है और अभी तो पीछे सीट भी लगी हुई है तो इसको निकालते हैं। ट्रिप है 5.1 किलोमीटर टोटल, अभी बाइक कितनी चल रखी है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 362 किलोमीटर सिर्फ अभी बाइक ने कर रखा है और साथ के साथ ही इसके अंदर जो हमारा ट्रिप मीटर है वो भी आता है। ट्रिप मतलब कि आप एक तरीके से नेविगेटर वाला कह सकते हो इसको। तो हल्का सा ढीला बट कोई ना, चल जाएगा काम अपना। और इस साइड का भी सही है, जेब अपनी थोड़ी सी टाइट हो रही है। अपनी हिमालयन को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, करते हैं इसको क्रैंक। भाई मज़ा तो है। और सीट हाइट भी इसकी जो सुपर मीटर है मैंने वो भी चला रखी है तो उससे थोड़ी सी मेरे को ऊंची लगी है। सही है, सही है भाई। चलो मिलते हैं विक्रांत भाई थोड़ी देर में, निकालते हैं इसको यहाँ से अपना। स्मूथ काफ़ी यार, टर्निंग रेडियस थोड़ा सा इसका मेरे को ज़्यादा लग रहा है अपनी हिमालयन से, क्योंकि क्या कि मतलब ये ना थोड़ी सी वो है शॉर्ट बाइक है, हमारी जो हिमालयन है वो लंबी बाइक है तो उस चक्कर में जो है वो आराम से मुड़ जाती है। शॉर्ट बाइक जो है वो हमेशा उसका जो टर्निंग रेडियस है वो ज़्यादा रहता है। मेरी रॉन में भी ऐसा ही सीन था। तो अब चलते हैं यहाँ से, अभी हम लोग हैं तिलक नगर में। आप लोग जो भी वेस्ट दिल्ली के बंदे होंगे यार, क्लच छोड़ते इसकी स्पीड तो अच्छी खासी पकड़ लेती यार ये। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लोअर एंड टॉप। और भाई साइलेंट है, डुअल एग्जॉस्ट आता है इसके अंदर, 650 cc का पैरेलल ट्विन इंजन आता है इसके अंदर जो कि अपनी सारी की सारी रॉयल एनफील्ड में आता है, भले वो इंटरसेप्टर 650 हो या फिर GT 650 हो। और हॉर्न इसका सुन लेते, वेरी बैड हॉर्न इज़ नॉट सो गुड, बट ठीक है। ये जो बाइक है ये क्रूजिंग के लिए है, ये सिटी में चलाने के लिए एज सच नहीं बनी हुई है। और बढ़िया है भाई, मतलब थोड़ा सा मेरे को इसका जो टैंक है ना उसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और रॉयल एनफील्ड ने ना एक बहुत बढ़िया काम शुरू कर दिया है, जो भी इनकी ब्रांडिंग होती है ना टैंक के ऊपर वो ये लोग अब यहाँ पे ऐसे स्टिकर की मतलब स्टाइल में करके देते हैं। मेरी जो हिमालयन है उसका कलर है नाटो ग्रे, कंपनी उसको कहती है स्लेट पॉपी ब्लू कलर, और उसके अंदर ये जो चीज़ है रॉयल एनफील्ड हिमालयन उसके अंदर ब्लू कलर से लिखा आता है तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसी इसकी फ्यूल लिड थोड़ा साफ कर देते। और भाई नई नई बाइक को ना चलाने का अलग ही है, एज सच हैवी तो इतनी नहीं है। जो सुपर मीटियोर है वो करीब आप मान के चलो हमारी हिमालयन से काफ़ी ज़्यादा हैवी है वैसे अगर हम लोग बात करें ना,
हिमालयन से हैवी है, बट उठाते हुए नहीं लगती क्योंकि हिमालयन का जो स्टैंड है वो हल्का सा लेफ्ट की साइड मुड़ा हुआ है, तो इसमें एज सच वैसा सीन नहीं है। ये जो बाइक है ये अपनी, चलो भाई चला के देखते हैं एक बार। फर्स्ट गियर 60, सेकंड गियर 90, थर्ड गियर 110, ऑलमोस्ट 115 सही है। इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड कर दिए। देखो बात है ऐसी कि ये जो इंजन है ये सेम इंजन आता है अपना GT में, बट उसके अंदर ना वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसमें ऐसे वाइब्रेशंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। वो यही बात है कि अब जो रॉयल इनफील्ड है वो जितनी भी बाइक्स है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा है, अब वो बात नहीं है रॉयल इनफील्ड की। और भाई छोड़ के भी आप लोग चला सकते हो, जो GT की वीडियो फेमस होती है ना ऐसे ऐसे हिलता हैंडल, वो कोई इसके अंदर अब सीन नहीं है। रॉयल इनफील्ड काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और इसीलिए मैं भी अब रॉयल इनफील्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ, जहाँ पे हम लोग पहले रॉयल इनफील्ड को सोचते थे कि नहीं यार ये तो भाई इसके जो स्विच वगैरह है, स्विच गियर, वो तो प्रॉपर अपना जो वो है अपना क्या कहते हैं सुपर मीटियर वैसा ही है। बाकी LED लाइट इसके अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ LED आती है इसके अंदर, चढ़ के मैंने देख लिया, हाई बीम लो बीम एवरीथिंग इज़ गुड। बटन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ से हमको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप ओडोमीटर की रीडिंग साथ के साथ, मतलब वही है जब इसका ये रिजर्व पे आ जाएगी तो इसके अंदर ट्रिप एफ भी आ जाएगा। और टैंक वगैरह इसका कितने लीटर का, वो सारी डिटेल्स अभी मैं आपको जब इसका क्या कहते हैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है हर चीज़ अब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। मैनोवर करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट इन सिटी ट्रैफिक। जब हम मैंने सुपर मीटियर चलाई थी तो उसमें हल्का सा ना हम ऐसे लेड बैक होकर बैठते हैं, इसके अंदर हम ऐसे आगे हल्का झुक के बैठते हैं, वो सीन है। दोनों बाइक्स का जो क्या कहते हैं फ्रेम जो है वो सेम है, बट टैंक इसका जो है वो सुपर मीटियो से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, तो वही है। और भाई इसका जो लॉन्च हुआ था ना भाई धमाकेदार वैसा लॉन्च, और ये सबसे पहले लॉन्च भी इधर ही हुई थी क्या कहते हैं अपना लांबा के शोरूम पे। और आप लोगों को पता ही है मेरी जो हिमालयन थी वो दिल्ली की क्या छोड़ो पूरे इंडिया की, पूरे इंडिया में सबसे पहले मैंने उसकी डिलीवरी लिया है और वो मेरे को लांबा वालों ने ही दिया है। निकालते थोड़ा सा ट्रैफिक में भाई इजी टू मैनोवर, मेरे को अपनी हिमालयन से ज़्यादा अच्छी लग रही है ट्रैफिक में चलाने के लिए। और हीटिंग की भी अभी तक इसमें एज सच तो मेरे को फील हो नहीं रहा कि इसके अंदर हीटिंग है, एक्सेलरेशन भी बढ़िया है। बाकी तो एक बार जब आराम से 6-7-10 किलोमीटर हो जाएंगे तब पता चलेगा कि भाई कैसा माहौल बन रहा है इसका, बाइक हीट कर रही है नहीं कर रही सिटी में। हालांकि ये होता है कि फर्स्ट सर्विस से पहले हर बाइक हीट करती है, मेरी जो रॉनिन थी वो भी हीट करती थी, हिमालयन भी हीट करती थी, बट इसके अंदर अभी तक मेरे को एज सच कोई दिक्कत लग नहीं थी। बेस काफ़ी ज़्यादा यार इसकी जो आवाज़ है ना, लेकिन लाउडनेस भी है। और जो इसके लीवर्स है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे दोनों तरफ के, यहाँ से आप लोग इसको जो इसका ये जो प्ले होता है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और भाई ये देखो 40 की स्पीड चौथी गियर, बाइक एकदम आराम से उठ रही है क्योंकि ये है एकदम लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जिसके लिए टिपिकली रॉयल इनफील्ड जाना जाता है, ठीक है ना। हमारी जो हिमालयन है वो रॉयल इनफील्ड की पहली बाइक है जिसके अंदर शॉर्ट स्ट्रोक इंजन आता है, उसमें पावर ज़्यादा होती है और टॉर्क भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। इन बाइक्स के अंदर टॉर्क सबसे ज़्यादा होती है, ये बेसिकली बनी होती है पहाड़ों पर ले जाने के लिए, जहाँ पे इंक्लाइन हो ना, जहाँ पे मतलब रॉ पावर आपको चाहिए हो वहाँ पे बाइक सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। यहाँ पे E20 का स्टिकर लगा हुआ था जो कि अभी इन्होंने कवर कर दिया है क्योंकि वो शूट वगैरह में थोड़ा सा अच्छा ही लगता दिख रहा, और रॉयल इनफील्ड तो सही लग रहा ही है। ये जो है प्रॉपर मेटल का यहाँ पे फिट हो रखा है रॉयल इनफील्ड इसके ऊपर लिखा हुआ, और इधर लिखा हुआ इन्होंने शॉटगन ताकि पता रहे कौन सी बाइक की चाबी है, कौन हॉर्न मार रहा भाई। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क पंप फ्लूइड, ठीक है, बेसिक चीज़ें ये आज के टाइम पे तो आपको पता ही है बाइकों के अंदर सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम ही आती है। जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है कंपनी का, ब्रांड का, रिलायबिलिटी का, सर्विस कॉस्ट का और परफॉर्मेंस का। ये जो बाइक है ये हमको ऑन रोड पड़ जाती है 4 लाख से लेके 4.5-5 लाख तक की पड़ जाती है। और जो फीचर्स ये हमको ऑफ़र करती है वो एज सच ये नहीं है कि रॉयल इनफील्ड कभी भी ना अपने फीचर्स के लिए नहीं जानी जाती, रॉयल इनफील्ड हमेशा जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो बाइक है हमको बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगी, वो आप लोग एक बार अपने नियरेस्ट शोरूम में टेस्ट राइड ले सकते हो। छठी गियर 6 की स्पीड भाई कंफर्टेबल,
कोई ऐसा इसके अंदर लैग वगैरह आपको महसूस नहीं होता कि भाई बाइक स्टॉल कर रही है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। 4:26 हो रहे हैं, घड़ी से भी कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, एकदम सही टाइम है, थोड़ा सा आगे पीछे है, फ़ोन से एक बार कनेक्ट होगा तो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर हमको मिल जाती है टर्न बाय टर्न की नेविगेशन, और टाइम तो हमको डिस्प्ले होता ही है। चलो चलो चलो, ABS works good, very good. ABS की जो इसकी जो मतलब फीलिंग है ना, एग्जैक्ट मेरी हिमालयन जैसी है भाई। सेम मेरी हिमालयन में था, इस चीज़ के लिए मैं हिमालयन से भी अपनी खुश था कि यार ये चीज़ बढ़िया है कि वो अपना जो है स्किड वगैरह नहीं मारती, तो थोड़ा सा फ़ायदा है। फ़ोन पता नहीं किसका आ रहा है भाई, कौन फ़ोन कर देता है अपने को समझ नहीं आता यार। ये बाइक लगाते साइड में एक बार बात कर लेते हैं, किसका फ़ोन आ रहा है, यहीं लगा लेते हैं। चलो भाई देखें हम क्या सीन है। तो भाई एक बार आप इसकी एग्जॉस्ट की बात सुन लो, सही है। और इसका जो इंजन है ना, वो हमको मिलता है ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में। जो मीटियोर आती है या हिमालयन आती है उसके अंदर हमको मिलता है मैट ब्लैक, बाकी जो स्टैंडर्ड या क्लासिक आती है उसके अंदर हमको मिलता है सिल्वर या फिर क्रोम कलर में, जो भी आप उसको कहो। और इसके अंदर हमको मिलता है भाई ग्लॉस ब्लैक, पहली बार रॉयल एनफील्ड ने किसी बाइक के अंदर ग्लॉस ब्लैक कलर का इंजन दिया है, और वो है अपनी शॉटगन 650 cc। और इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं 3 तरीके के वेरिएंट्स। पहला मिल जाता है आपको जो भी मैं चला रहा हूँ, राइडर विद पिलियन सीट, ठीक है, ये हो गया आपका पहला वेरिएंट। दूसरा वेरिएंट जो होता है उसके अंदर आपको मिलता है राइडर विद ओनली राइडर सीट, मतलब कि उसके अंदर आपको पिलियन के लिए कोई भी सीट नहीं मिलेगी, ना ही पीछे कोई जगह मिलेगी, तो एक तरीके से वो सिंगल सीटर वाली बॉबर वाली पूरी आपको फील मिलेगी, ठीक है। ये तो होगी 2 तरीके की। तीसरी जो आपको इसके अंदर मिलती है वो मिलती है आपको राइडर प्लस लगेज कैरियर, इसके अंदर एक आपको मिल जाता है जिसके ऊपर आप लगेज वगैरह अपना माउंट कर सकते हो, तो वो एक चीज़ है, तो उसके लिए आप लोग क्या कहते हैं ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा ऐसा सीन रहता है ना कि मेरे को भैया टूरिंग करनी है, मेरे को पीछे लगेज अपना बांध के चलना है, तो वो आप लोग चीज़ जो है वो आप खरीद सकते हो। तो ऐसे इसके अंदर जो कस्टम वाला जो ऑप्शन है वो आपको रॉयल एनफील्ड देती है, वो नहीं, और जहाँ पे सड़क नहीं है उसके लिए भी वो बनी है। ये देखो गाइस, ये हल्का सा इसके अंदर इशू है कि बाइक अभी जो है अपन हमारी अब गियर में चढ़ी है, पहले यहाँ पे 6 दिखा रहा था और रेस देता जा रहा था, मैं न्यूट्रल जा रही थी, तो ये जो इशू मेरी हल्का सा हिमालयन के अंदर है, सेम इशू अपनी शॉटगन में भी है। तो रॉयल एनफील्ड का हल्का बहुत जो लैग है वो चलता रहता है, इसके साथ तो एडजस्ट ही कर लिया मैंने, क्योंकि बिना बहुत ना मतलब कि बिना बात ना मतलब कि नई बाइक का गियर बॉक्स खुलवा के कुछ फ़ायदा तो देखो है नहीं, तो उससे बढ़िया जैसी चल रही है वैसी चलने दो। जब मतलब सर्विस वगैरह कभी होगी तो एक बार उनको बोल देंगे, ऐसी अगर ठीक होना हुआ हो गया नहीं तो भाई देखी जाएगी। 100 की स्पीड तो भाई चुटकी बजाते पकड़ती है, चुटकी बजाते ही। ओ भाई यू टर्न काटे, अब देखना पड़ेगा यू टर्न यहाँ से फ्री है या नहीं है, इट डिपेंड्स। तो ऐसा सच कोई बोर्ड तो लगा नहीं हुआ यू टर्न के लिए, फ्री है कि नहीं है, पुलिस वाले यहीं दिख गए, बट हम लोग फिर भी जो है यू टर्न काट लेते हैं। अरे भाई रोकी तो रोकी यार, देख लेंगे, इतना क्या सोचना। एक तरीके से भाई मेरे को तो पहले जब वो आया ना सामने, मेरे को तो ये लगा भाई स्टॉप लाइन का चलान ना काट ले। बाइक इज़ वेरी इजी टू मैनोवर इन सिटी, मतलब सुपर मीटियोर में आपको हल्का सा लगेगा कि भाई मैनोवर करने में दिक्कत है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो ऐसे तो आपको उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं लगेगी।
बढ़िया भाई बढ़िया। वाइब्रेशंस इसके अंदर जो है आपको हल्की सी सीट के ऊपर महसूस होंगी, मतलब जो आपका बम एरिया है वहाँ पे आपको हल्की सी वाइब्रेशंस महसूस होंगी। हाथों पे कोई ऐसी वाइब्रेशंस फील नहीं होती और ना ही फुटपैक्स के ऊपर होती है। हैंडल बार और फुटपैक्स पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, हल्की सी सीट पे है जो कि इतनी हाई आरपीएम पे आती है। जैसे अभी मैं तीसरी गियर पे 100 की स्पीड पे चला रहा था तो आप उस स्पीड जैसे अभी नॉर्मल चल रही है ना अपना क्या कहते हैं अभी आप देख लो चौथी गियर 40 की स्पीड 50 की स्पीड मैं अभी इसको हल्का सा खींचता हूँ और फिर आपको बताता हूँ किस स्पीड तक ये सही चल रहा है। आप लोग खुद चेक करो, रुको देखो, मतलब कि इस स्पीड तक 40 की गियर में 70 की स्पीड तक आपको कोई भी जो है वाइब्रेशंस नहीं मिलेगी। और अगर अब मैं इसकी आरपीएम की बात करूं तो ये होगी अभी करीब 7000 आरपीएम के अराउंड होगी, 6-7000 आरपीएम के अराउंड होगी 70 की स्पीड पे 40 मतलब फोर्थ गियर में, तो आपको कोई भी वाइब्रेशंस ऐसा जिसके अंदर महसूस नहीं होंगी। बाकी ओवरऑल कम्फर्ट तो है ही, और मिरर्स जो हैं वो सेम हमारे जो हिमालयन वाले वही इसके अंदर लग के आते हैं, व्यू इसके अंदर सही मिलता है। थोड़ा सा ये वाला लूज़ है बट अभी इतना भी लूज़ नहीं है कि अपने आप हिलता रहे ना। और इसके अंदर जो है हमको नॉर्मल थ्रॉटल वायर मिल जाती है राइट बाय वायर का, इसके अंदर ऐसा कोई जो प्रोविज़न होता है वो कंपनी नहीं देती है, तो वो भी ठीक है। ओल्ड स्कूल वाला जो बिहेवियर है बाइक का वैसा ही हमको मिलेगा हमारी हिमालयन के अंदर। तो जो लेटेस्ट अब इसका देखो, इसकी जो इंजन है हमारी हिमालयन राइट साइड का पैर गर्म करती है, ये जो है ये लेफ्ट साइड का जो हमारा पैर है उसके ऊपर हमको हीट थोड़ी सी महसूस होती है जब आप चला रहे हो। और इस स्पीड पे भी हो रही है, मतलब चौथी गियर और ये क्या कहते हैं 50 की स्पीड पे भी आपको जो हल्की बहुत है जो क्या कहते हैं हीट है वो हल्की बहुत लग रही है, बिल्कुल ना के बराबर ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे हाथ रखूँ अपना तो आराम से मैं इधर रख सकता हूँ, आप लोग चेक करो कोई ऐसा लंबी हीट महसूस नहीं हो रही। अभी थोड़ा सा अंदर से चलते हैं एक बार, थोड़ा सा जाम का इसका माहौल देखते हैं कैसा है बाइक का, क्योंकि अंदर ये रजौरी गार्डन की मार्केट है तो यहाँ पे हल्का सा हमको लगता है कि रश वगैरह मिल जाएगा। तो बढ़िया, मतलब हर तरीके से बाइक जो है वो चेक हो जाएगी, चला के देखते हैं यहाँ पे कैसा सीन है भाई। और आप एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी है नहीं करी मेरे को पता नहीं, इसके अंदर जो टाइम है वो दिखा रहा है 4:36 में, उसमें दिखा रहा है 6:33 AM तो ये थोड़ा सा है मिसमैनेज। और ये जो सेम मीटर है ये हमको सुपर मीटियर हो गई, मीटियर 350 हो गई, सारी बाइक्स के अंदर जो है हमको सेम मीटर ही देखने को मिलता है। अरे यार ये क्या कर रहा है भाई बेलिनो वाला। चलो खैर हमको भी जाम ही चाहिए था तो हमारी जो इच्छा है वो पूरी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि यार ये कैसे बंदे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है ऐसा अभी तो ट्रैफिक के अंदर कोई भी जो है दिक्कत नहीं लग रही। अरे ऑटो वाले भैया देख कर इसके ऊपर मेरे को एक बार ना सैडल करके देखना कि सैडल करके इसका कैसा माहौल बनता, क्योंकि जैसे मैं राइड वगैरह करता हूँ अगर मैं प्लान करूँ फ्यूचर में लेने की तो मेरे को तो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा ना। अभी यहाँ से टेस्ट मतलब रेड लाइट खुलती है तो निकलते हैं साइलेंट, खैर सच कोई भी इसके अंदर आवाज़ नहीं है और देखोगे ना लीवर के अंदर इसको अंदर आपको एक ये ब्रेक मिल जाता है, एक ये ब्रेक मिल जाता है और इस साइड में आपको एज सच एक ये यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है। कि क्या है कि ये जो ब्रेक है ना ये आपको इसलिए दिया होता है, हल्का सा जो बॉर्डर है इसलिए बना के दिया होता है कि मान लीजिए कभी भी आपकी बाइक राइट साइड या लेफ्ट साइड पर गिरती है तो ये जो साइड के लीवर्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या है कि अगर ये बाइक लीवर यहाँ से टूटता भी है तो सिर्फ आधा लीवर टूटेगा क्योंकि यहाँ से पूरा इंपैक्ट आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो आप फिर भी इतना मतलब यहाँ तक का लीवर टूट गया आप यहाँ से कंट्रोल करके चला सकते हो, क्लच जो है आपका वो आप यहाँ की जगह यहाँ से पकड़ के चला सकते हो। चलो भाई रेड लाइट जो अपनी वो खुल गई है और भाई गाड़ी वाला क्या कर रहा है अंदर घुसता था क्या इसने मेरे।
इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी मैंने आपको बताया नहीं, प्रॉपर मैट ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है वो। तो सारे मैं जो भी डिटेल्ड फीचर्स हैं वो सारे आपको बताऊंगा। ये क्या हो गया अंकल जी, भीड़ सड़क में उतर रहे हैं, कोई मैटर हो गया क्या? भैया ई रिक्शा भैया C200 थोड़ा सा जगह दे दीजिए हमको। ओ भाई बढ़िया लीन होती है। हाँ, एक तो यहाँ पे रेड लाइट ही चलती ना, ये सबसे ज़्यादा भसूरी है, कोई भी बंदा कहीं से भी घुसता है। बाकी चलते हैं अब इसका। भाई ब्रेकिंग पावर इज़ अमेजिंग, आप मेरे पैर की मूवमेंट देखो, बिल्कुल हल्का हल्का सा मैं दबाता हूँ और बाइक की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अरे यार फिर इसका आ गया, अब अलग ही मैटर है ये भी। देखते हैं एक बार, चेक करते हैं किसका फ़ोन आ गया। तेरी अभी मैंने चेक किया कि टाइम जो है वो तो 3:40 हो रहा है। ये तो इसका मतलब दोनों घड़ियां ही गलत है, वो इसलिए क्योंकि टेस्ट राइड व्हीकल है भाई। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी क्या कहते हैं राइड की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोग जज कर पा रहे होंगे कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। गियर कनी डलरी अब डली, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।